लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों की घोषणा होने के बाद सभी पार्टियां और तेजी से अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गई हैं। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन टूट गया है और खुद अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने अपना दल कमेरावादी से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किसी तरह का गठबंधन ना होने का ऐलान किया है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अखिलेश यादव ने कृष्णा पटेल की अगुवाई वाले अपना दल कमेरावादी द्वारा प्रदेश की 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा के एक दिन बाद ही ये बड़ा फैसला किया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर की सुबसपा और जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल बाहर हो चुका है। वहीं भाजपा छोड़ सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपना अलग दल बना चुके हैं और समाजवादी पार्टी से किनारा कर चुके हैं। बता दें कि सपा और अपना दल के बीच रिश्तों में खटास की शुरुआत राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई थी। अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने सपा पर राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में नाराजगी जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पीडीए की राजनीति करने वाली सपा ने राज्यसभा के प्रत्याशियों का चयन पीडीए का ख्याल रखकर नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।